जब आपको मोहब्बत होती है तब बड़ी जोर से होती है तो, और एक दौर ऐसा आता है जब आपको बहुत बार हो चुकी होती है और आपको लगता है कि हर बार मेरी ये सच्ची बात है, बट ये पता कैसे चलता है? तो मैं नींद में ये जो भी मैंने लिखा है, मैं नींद में पढ़वा रहा था और मेरे फ्रेंड ने लिखी मेरे वजह, फिर मेरे को जगा के बोला कि ये तू बोला है और सबको बताएगा जा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा था कि कुछ इस तरह से चाहना है तुझे कि तू किसी गजल से गूंज उठे और मैं किसी कहानी से अधूरा रह जाऊं। तू किसी गजल से गूंज, तू किसी लहर से ऊंची उठे और मैं किसी किनारे सा सूखा रह जाऊं। तू चांद सी चमक उठे और मैं किसी अंधेरे में गुम हो जाऊं। तू किसी ठंडी हवा का झोंका बने, तू किसी ठंडी हवा का झोंका बने और मैं किसी भाप सा हवा बन जाऊं। तू किसी कली सी खिल उठे और मैं किसी सूखे पत्तों सा गिर जाऊं। तू किसी बच्चे की तरह हंस उठे और मैं किसी आशिक सा रो जाऊं। तू किसी का पाक इरादा बन जाए और मैं किसी नापाक कामों में बदनाम हो जाऊं। तू कोई सच्चा मोती बने और मैं ओसरे मोती सा गिर जाऊं। तू किसी खुले आसमान में उड़ जाए और मैं किसी पिंजरे में कैद हो जाऊं। तू अपने पंख खोल उड़े, तू अपने पंख खोल उड़े और मैं किसी गिरे हुए पंछी सा फड़फड़ाऊं। तू किसे गहरे पानी में गोते लगा और मैं किसी बंजर रेगिस्तान में प्यासा रह जाऊं। तू किसी कृष्ण की राधा बने और मैं किसी रावण की सीता बन जाऊं। तू अपने आप को ब्रह्म माने और मैं किसी शंकर का नंदी बन जाऊं। तू किसी का ख्वाब बन उठे, तू किसी का ख्वाब बन उठे और मैं किसी के ख्वाब सा टूट जाऊं। तू किसी के जीने की आस बन जाए, और ये सबसे मेरा फेवरेट है कि तू किसी के जीने की आस बन जाए और मैं अपने ही मौत की वजह बन जाऊं। बस ये सब कुछ होने से पहले तू मेरे दिल की रानी बन जाए और मैं तेरा गुलाम बन जाऊं। थैंक यू सर।